हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेज ब्यूटी जोन। क्या आप जानते हैं कि प्री कंडीशनिंग क्या होती है? आई एम श्योर 80% लोग नहीं जानते होंगे कि प्री कंडीशनिंग क्या होती है। कुछ मंथ्स पहले मैं भी इन 80% लोगों में से ही थी। मुझे भी नहीं पता था कि प्री कंडीशनिंग क्या होती है। जैसे नाम से ही पता चलता है कि प्री कंडीशनिंग है शैम्पू से पहले। मोस्टली हम सभी लोग 99% लोग जो हैं शैम्पू के बाद ही कंडीशनर यूज़ करते हैं अपने स्मूथ शाइनी हेयर पाने के लिए। अगर यही कंडीशनर हम शैम्पू के पहले यूज़ करें तो ये प्री कंडीशनिंग ड्राई हेयर, डैमेज्ड हेयर, स्प्लिट एंड्स पे मिरेकुलसली काम करती है। प्री कंडीशनिंग से आपके बाल फेदरी, सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी, वॉल्यूमिनस और मैनेजेबल हो जाते हैं। अगर आप अपने ड्रीम हेयर पाना चाहते हैं तो पोस्ट कंडीशनिंग को छोड़िए और प्री कंडीशनिंग कीजिए। कंडीशनिंग शैम्पू से पहले सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन हेयर एक्सपर्ट्स कन्फर्म द बेनिफिट्स ऑफ प्री कंडीशनिंग। अगर आपने जो है फेमस हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर एक्सपर्ट मिस्टर जावेद हबीब की वीडियोस देखी हैं तो आपको ज़रूर पता होगा प्री कंडीशनिंग जो है आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है, चिपचिपा नहीं करता है। और अगर मोस्टली हमने देखा है कि जब हम शैम्पू के बाद कंडीशनर यूज़ करते हैं तो 100% लोगों के वॉशरूम की जालियाँ बालों से भर जाती हैं। इससे प्री कंडीशनिंग करने से एक तो हमारी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ऊपर से हमारे जो बाल है स्मूथ, शाइनी, स्ट्रेट भी होते हैं। जैसे जैसे आप इसको प्री कंडीशनर को यूज़ करते जाएंगे, हर बार आपके बालों का टेक्सचर वो है चेंज होता जाएगा। आप डिफरेंस खुद देखोगे। यूज़ कीजिए और इस डिफरेंस को देखिए कि प्री कंडीशनिंग से आपके जो बाल हैं उनका टेक्सचर कितना ज़्यादा चेंज हो जाता है। मैंने ये बेनिफिट्स लिए हैं तो ही मैं ये आपको बता रही हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने चैनल पर कभी एक बार यूज़ किया, दो बार यूज़ किया और अपने चैनल पर कभी कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी रेमेडी ऐसे नहीं लेकर आई हूँ। महीनों तक मैं यूज़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं अपनी वीडियोस जो हैं अपने चैनल पे लेके आती हूँ। इसीलिए मुझे वीडियोस लाने में थोड़ा वक्त लग जाता है। बहुत सिंपल है प्री कंडीशनिंग करना, मैं अभी आपको बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल बटन है उसको जरूर क्लिक करना ताकि मेरी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। शैम्पू करने से पहले अपने बालों को अच्छी तरह गीला कर लीजिए। स्प्रे बॉटल से भी आप गीला कर सकते हैं या टैप के नीचे अपना जो है बाल अच्छी तरह गीले कर लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगता है। अच्छी तरह बाल गीले होने के बाद हम मोटे मोटे जो सेक्शन लेंगे, कंडीशनर अपने हाथ पे ले लीजिए और मोटे मोटे सेक्शन जो है एक साइड से लेने शुरू कीजिए। मोटे मोटे सेक्शन लेके एक इंच जो है स्कैल्प से आप छोड़ दीजिए और कंडीशनर जो है अप्लाई करना शुरू कीजिए। एंड्स तक जो है कंडीशनर अप्लाई करना है। कंडीशनर अप्लाई करके दो फिंगर्स के बीच में जो अपने बाल लेके इसको धीरे धीरे जो है मसाज करना शुरू कीजिए। इससे आपके बालों में जो है स्ट्रेटनिंग इफेक्ट आएगा। स्कैल्प पे हमें नहीं अप्लाई करना है, एक इंच का जो है डिफरेंस छोड़कर हमें कंडीशनर पूरे बालों में एंड तक जो है अच्छी तरह अप्लाई करना है। ऐसे ही सारे बालों में हम कंडीशनर अपना अप्लाई कर लेंगे। अब मैंने पूरे बालों पे कंडीशनर अप्लाई कर लिया है और आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, क्लचर जो है लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्ट्रेट ही रखूँगी। और इस 10 मिनट तक हम एक कंडीशनर को अपने बालों में ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद हेड बाथ लेंगे। कंडीशनिंग के लिए, प्री कंडीशनिंग के लिए आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इन 10 मिनट्स में आपके बाल पूरी तरह मॉइस्चराइज हो जाएंगे, जो कंडीशनर से मॉइस्चराइज अब्सॉर्ब कर लेंगे, नरिशमेंट अब्सॉर्ब कर लेंगे। और 10 मिनट के बाद आप अपना कंडीशनर को वॉश कर लीजिए, तब तक जब तक वो बबल्स आ रहे बंद नहीं हो जाते। उसके बाद माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर वॉश कर लीजिए, टाल ड्राई कीजिए। टाल ड्राई करने के बाद सीरम, 2-3 ड्रॉप्स जो है सीरम की अपने हाथों में रब करके अपने हेयर लेंथ और हेयर टिप्स पे अप्लाई कीजिए। स्कैल्प में हेयर सीरम जो है नहीं अप्लाई करना है। मैं जो हेयर सीरम अप्लाई करती हूँ वो है लीवॉन का, अफोर्डेबल भी है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है।
ये लिव ऑन हेयर सीरम जो है मैं यूज़ करती हूँ। और हेयर सीरम यूज़ करने के बाद जब आपके बाल जो है ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद देखना कि आपके बाल कितने स्मूथ, शाइनी, फ्रिज फ्री और कंपैरेटिवली स्ट्रेट आप फील करोगे प्री कंडीशनिंग से। तो आज से वही पुराना पोस्ट कंडीशनिंग छोड़िए और प्री कंडीशनिंग यूज़ करिए और देखिए कि प्री कंडीशनिंग क्या वंडरफुल रिजल्ट्स देती है आपके बालों में। और अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।